हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द होल दुर्गा पूजा हाउ आई स्पेंट इन कोलकाता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुर्गा पूजा के टाइम कोलकाता में हर एक जगह घूमना ही हम लोगों का रीति रिवाज है। रीति रिवाज ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि किताबों में लिखा है, लेकिन ऐसा ही होते हैं क्योंकि हर कोलकाता का हर एक पूजा पे, अभी तो वो थीम बेस्ड होते हैं, उसका जो पंडाल बना हुआ रहता है उसके पीछे कुछ हिस्ट्री रहते हैं, तो ये सब पूजा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम तो कोलकाता में ही रहते हैं तो कोलकाता के हर एक फेमस पूजा घूमने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहला दिन ही हम चले गए थे मेरे घर के पास जो भी पंडाल हुआ था, और ये कोलकाता के टॉप 30 पूजास के अंदर आते हैं, तो वहीं पे तो ये पहला वाला क्लब जो था ये था 41 पल्ली, जो हम बंगाली में कहते हैं 41 पल्ली। सो वहीं पे उन लोगों का थीम था पुराने ज़माने में जो ज़मींदार होते थे, बंगाली ज़मींदार, उन लोगों का कैसा कल्चर था, उन लोगों के घर का अगर दुर्गा माता होता तो कैसा दिखता, तो ऐसा टाइप का एक थीम था। तो बहुत ही अच्छा, और वो जो सिलिकॉन का जो भी मॉडल बनाया थे वो देखने में इतना रियल लगा था, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग गए दूसरे पंडाल की तरफ, वो भी सारा मेरे घर के पास ही है, और ये सब पंडाल जो है जो मैं पहले दिन में देखी सब एकदम करीब करीब था। तो ये वाला पंडाल का थीम तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मटेरियल्स जिसे वो लोग बनाए थे वो था जो ख़राब हो चुका हुआ वॉशिंग मशीन रहते हैं, वो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन, और उसके साथ एसी का जो डब्बा रहता है उसके साथ ये लोग पंडाल बनाए थे, बट थीम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो पहला दिन का थर्ड और लास्ट पूजा पंडाल यही था, तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा लाइन, अब ये लाइन देख के कौन दूसरा पंडाल में जा सकते हैं। तो फाइनली देखते देखते हम पहुंच भी गए पंडाल के अंदर, और यहाँ पे नाव का थीम बना हुआ है, पहले पुराने ज़माने में जैसे नाव पे चढ़ के समुंदर पे मछली पकड़ने जाया करते थे, तो वैसा टाइप का कुछ नाव पे दुर्गा माता का मंदिर लगाया हुआ है, और वहीं पे ही दुर्गा माता ने महिषासुर को वध किया और उसका सर सामने पड़ा हुआ था, तो ऐसा टाइप का थीम था। और साथ में ना ये जो कीर्तन भजन रहते हैं वो भी लाइव परफॉर्मेंस चल रहा था, तो देखने में तो खूबसूरत है ही, और साथ में जो वो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत एनहांस कर रहा था इसका ब्यूटी। देन नेक्स्ट डे पे मेरी फ्रेंड्स लोग आए थे मेरे घर पे, और रात में हम लोग सब मिलके एक साथ डिनर किया। हाँ, पूजा का टाइम है इसलिए कोई खाना वाना तो मैं नहीं बनाई, सब कोई मिलके ऑर्डर किए थे जिसको जो भी पसंद है। जनरली बंगाली और पूजा में खाए तो बिरयानी छोड़ के तो सोच नहीं सकते, तो सब कोई बिरयानी लिया था, तो मैंने अपने लिए सिर्फ लिया था तंदूरी रोटी। और यहाँ पर जो बिरयानी हम लोग खा रहे थे ना, ये बहुत ही फेमस दुकान है, आप लोग अगर कोलकाता में रहते हैं तो आपको पता ही है आर्सलान के बारे में, तो हाँ वहीं से आर्सलान या आमिनिया मैंने भूल गई, दोनों ही काफ़ी फेमस है, तो वहीं से हम लोग खाए और उसके बाद बैठ के गप्पे लगाए। सो डे 5, और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैं सोची कि तन्वी कोलकाता में आके उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट के पैसे मिले, तो मैंने सोचा कि कुछ पैसे देके उसको कुछ थोड़ा सा कपड़े भी खरीद के दे। तो मेरे मम्मी तो हमेशा नाना ही बोलती है कि ये छोटा हो जाएगा, क्यों देने का ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक तन्वी विल लाइक इट। तो मैं तन्वी के लिए शॉपिंग किया, और उसके बाद कोलकाता का स्ट्रीट फूड खाने का मुझे बहुत मन था, तो वहीं से कुछ स्ट्रीट फूड लेके भी आए थे और खाए थे। और ये
जो नेकलेस देख रहे हैं ना, ये मैं अपना स्कूल में जितना मेरा फ्रेंड्स है, जितना मेरे कॉलिग्स है, उन लोगों के लिए लेके आई थी। और यहाँ पे तानवी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सलवार पीस लिया, जो कि तानवी पूजा के टाइम तो नहीं पहने, आने वाले व्लॉग में आप ज़रूर देखना कि वो ज़रूर पहनेंगे। और ये सब करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे मेरी पापा का जो घर है उसके सामने भी जो पूजा होता है ना, वहीं पर। तो ये पैंडल तो बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था, और आप देख ही सकते हैं ये सब जो कटोरी है, कटोरी से ये बना हुआ है। इसका जो शैंडिलियर है, ऊपर का जो डिज़ाइन है, सब कटोरी से ही बना हुआ था। और जो चटाई होते हैं उससे पूरा वॉल बना हुआ था, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था पैंडल। और यहाँ पर जो माता है ना, दुर्गा माता, वो है भारत की दुर्गा माता, मतलब माँ सिर्फ हमारे नहीं है, माँ भारत की है। तो इसलिए उसके हाथ में ना एक इंडियन फ्लैग भी रहते हैं। और आप देख सकते हैं हर एक गली, हर एक कॉर्नर, हर एक नुक हमेशा कोलकाता का ऐसा ही डेकोरेटेड रहते हैं ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। अभी ये जो वीडियो का क्लिप मैं रख रही हूँ, जैसे कि तानवी मेरे पापा के हाथ पकड़ के चल रहा है, कभी पापा के साथ गोदी में जाके पैंडल देख रहे हैं ना, ये सारा मेमोरीज की तरह ही रह जाएगा। और कितना खूबसूरत बचपन वो बिता रही है, उसको देख के मुझे तो कभी कभी जेलस फील भी होती है। फाइनली इट्स डे 6 और हम लोग घर से थोड़ा दूर आए थे पैंडल हॉपिंग करने के लिए। सो ही इज़ माई हस्बैंड फ्रेंड नाउ, ही बिकेम माई फ्रेंड ऑल्सो, एंड हीज़ वाइफ इज़ ऑल्सो आवर गुड फ्रेंड, बट शी वॉज आउट ऑफ टाउन ड्यू टू वर्क, तो वो अकेले ही आए थे। और हम लोग गए थे पैंडल देखने के लिए, तो यहाँ पे भी पैंडल बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था। यहीं पे दुर्गा माता की जो 5 रूप है, वो 5 रूप के ऊपर ही थीम बना हुए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं करी जो है ना, हम लोग इसको कोरी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो उससे ना यहाँ पे पैंडल का जो डिज़ाइन था वहीं पे बना हुआ था। और ये पैंडल के बाहर एक मेला लगा हुआ था, और मेला लगा हुआ मतलब खाना तो बनता ही है। तो मैंने पहले यहाँ पे लिए थे भेलपूरी, मुझे भेलपूरी खाना बहुत पसंद है। एक तरफ खाना ख़त्म हुआ कि नहीं, दूसरी तरफ देखी मैं मलाई कुल्फ़ी, और मलाई कुल्फ़ी इज़ ऑल्सो माई वेरी वेरी फेवरेट। और ये ना सारा मेरा चाइल्डहुड का एक मेमोरी को रिकॉल करते हैं। और सच बोलूँ, इस बार कोलकाता में जाके मैंने हर एक चीज़ खाई जो मेरा मन किया, मेरी मम्मी ने मुझे हर एक चीज़ बना के खिलाए, मेरे हस्बैंड ने दुकान से ऑर्डर करके खिलाए, मतलब मैं खाई, आई डिडेंट थिंक अबाउट माई वेट और एनी थिंग, आई जस्ट एन्जॉयड माई लाइफ इन कोलकाता। तो उसके बाद हम लोग दूसरे पैंडल के तरफ गए थे, और यहाँ का थीम था रेजोनेंस, जिसको बंगाली में कहते हैं अनुनाद। तो आप लोगों को पता नहीं है तो रेजोनेंस आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल से डिज़ाइन किया हुआ था, इतना खूबसूरत और इतना माइन्यूट वर्क यहाँ पे करते हैं ना कि आप लोग देखते देखते ही अमेज्ड हो जाएंगे। तो चलो पैंडल देखते हैं। तो ये था हमारा 3rd पैंडल फॉर दैट डे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थोड़ा थोड़ा एकदम पतला जो बैम्बू रहते हैं उससे सारा पैंडल का डिज़ाइन किया हुआ था बाहर का। और अंदर यहाँ पे थर्मोकॉल या फिर जो भी गहना हम लोग दुर्गा माता को या फिर कोई भी पूजा या ओकेशन में पहनाते हैं भगवान को, उसी सारा उसी मटेरियल से इधर अंदर का जो डेकोरेशन था वो किया हुआ था। और बहुत सारा खूबसूरत सा पिक्चर लगा हुआ था, जो कि कृष्णा की लाइफ की स्टोरी बता रही थी, हर एक पिक्चर हर एक स्टोरी डिफाइन कर रही थी, तो कि बहुत ही खूबसूरत सा था। एंड उस दिन का जो लास्ट पैंडल था वो यही था, ये था नागतला उदयन शोंगो। और वहीं पे पहुंच के ना मतलब आपको रियलिटी चेक मिलेगा। एक्चुअली उन लोगों का थीम था पूरा जो शहर अब है कैसा दिखता है कोलकाता शहर उसके ऊपर। तो आप ये देख ही सकते हैं हर एक जगह पे जोमेटो स्विगी है, और ये लोग इतना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब वो लोग एक मैसेज भी देना चाहा। हम लोग आजकल तो डिनर साथ में ही खाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करते, कुछ इंट्रैक्शन नहीं रहता है, क्योंकि हर एक जन के हाथ में फ़ोन ही रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया ना, एक टेबल सा बना हुआ था जहाँ
प्लेट के ऊपर फ़ोन डाला हुआ था और पैकिंग सारा खाना था, क्योंकि आजकल तो हम जब भी जहाँ पे भी मन करते हैं ऑर्डर कर लेते हैं, मैं भी उसका एक्सेप्शनल तो हूँ नहीं, तो वहीं पे जाके ना थोड़ा रियलिटी चेक मिला। पहले ऐसा होता था जॉइंट फैमिली रहते थे, सब कोई एक साथ मिल के बैठ के गप्पे लड़ा के खाते थे, आज वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो वही के ऊपर इन लोगों ने पैंडल बनाया, यही उन लोगों का थीम था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और एक ब्यूटीफुल सा मैसेज उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आए थे। बहुत चलते चलते हम लोग को भूख लगा तो हम लोग ने एक चिकन रोल खाए, वो भी रात के 12:30 पे, और फिर घर चले आई। इट्स डे 7 और यहीं पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैं मेरी एक फेवरेट सा सलवार पहनी हूँ जो कि मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पे दिलाए थे, लेकिन फाइनली मुझे पहनने का मौका जाके पूजा के टाइम में मिला। मुझे लगा कि बर्थडे पे नहीं पहनी तो स्पेशल डे पे ही पहनूँगी। कम्युनिटी हॉल पे हो रहा था जहाँ पे हम लोगों का शादी हुआ, सो ये प्लेस तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और बोलूँ तो नॉस्टैल्जिक भी थोड़ा फील करती हूँ जब भी उसके पास जाती हूँ। फिर हम लोग सेकेंड पैंडल की तरफ पहुँच गए जहाँ पे कुछ ऐसा थीम बनाए थे, रेफ्यूजी वाला थीम। रेफ्यूजी के टाइम जब बांग्लादेश से लोग भाग के कोलकाता आए थे या फिर बोल सकते कि वेस्ट बंगाल आए थे, तो उस टाइम का जो हालत था उसी के ऊपर ये थीम बनाए थे जो कि काफ़ी हद तक खूबसूरत था। ट्रस्ट मी, ये वाला पैंडल पे हम लोग ना ऑलमोस्ट 300-400 जन के पीछे ही खड़े थे, और धीरे धीरे जब हम लोग ने पैंडल की तरफ एंट्री लिया ना, मैं मतलब देखते ही रह गई, मतलब इतना खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। मतलब हर एक जो खूबसूरत फ़ोटो है, जो मेमोरी है, मतलब अजंता इलोरा सब जगह से ये लोग कलेक्ट करके उसका रेप्लिका लेके ये लोग बनाए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिक्चर जिसको हम बटर चित्र कहते हैं, जिसको हम चाल चित्र कहते हैं, तो सारा का सारा चीज़ देके ये लोग अपना पैंडल डेकोरेट किए थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये पैंडल देखने में मेरा सबसे ज़्यादा समय लगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ का माइन्यूटली देखा, उसका हिस्ट्री भी लिखा हुआ था, वो भी पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट पैंडल का जो थीम था वो था वाहन, मतलब कैरियर, जो हम लोगों को कैरी करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पिक्चर लगा हुआ था, डिफरेंट टाइप का चीज़ें बनाए हुए थे, जैसे कि ट्राम, ट्रेन, कार, कोलकाता का जो हम लोग का रिक्शा है, वो सब कुछ यहाँ पे बना हुआ था। तो धीरे धीरे पैंडल देखो और आप लोग ही बताना कि कोलकाता की पूजा हुआ ना अनोखा। और उस दिन का लास्ट पैंडल था ये, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो सारा लिख के बना हुआ था, तो ये बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ये जो कैमरा पे मैं इसका फ़ोटो लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये आईफोन हो, DSLR हो, कुछ भी हो, कैमरा जस्टिस नहीं कर सकते। ये जो खूबसूरती है ना, ये सामने से देखने ही से ही मिलता है। मतलब ये फ़ोटो में, वीडियो में उतना कुछ नहीं दिखता है जितना हम सामने से उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसका फील ले सकते हैं। तो मैं सबको बोलूँगी, अगर आप कोलकाता में है, बंगाली है, तो आप लोगों को तो पता ही है, और जो लोग नहीं भी है तो प्लीज़ आई विल इंसिस्ट यू, प्लीज़ कम एंड विजिट आवर कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, यू विल लव इट। सो इट्स डे 8 हम लोगों के लिए अष्टमी, और बंगाली मतलब अष्टमी के लिए तो साड़ी पहनेंगे। तो यहाँ पे ये साड़ी भी मेरी मम्मी का दिया हुआ है, और ये मम्मी ने दिए थे 2021 की पूजा के टाइम। ट्रस्ट मी गाइस, मैं तब से पहनने की कोशिश किया लेकिन हमेशा मिस हो जाता था, तो फाइनली मैं ये पूजा में पहनी। और उसके बाद हम लोग बहुत जगह घूमे, तो यहाँ पे आके ना मैं देखा कि लाइव मतलब मॉडल खड़ा किया हुआ है। मतलब आप देख ही सकते हैं जो खड़े हैं, मतलब एक जन बैठ के काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं, दूसरा जो माछ पकड़ के जो नेट है
वो पकड़ने का नेट को सिलाई कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ लाइव है। एक्चुअली ये कोलकाता का जो स्लम एरिया है वो रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये बना हुआ है, मतलब इसका थीम था। और उसके बाद तन्वी था तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, फिर भी तन्वी बहुत अच्छे से हम लोगों के साथ कोऑपरेट किए, वो बहुत चले। और उसके बाद हम लोग चले गए थे फिर खाने के लिए, क्योंकि बंगाली के लिए अष्टमी मीन्स बिरयानी, मटन एंड ऑल द डिलीशियस फूड फ्रॉम बंगाल। सो इट्स नाइन्थ डे एंड इट्स लास्ट डे ऑफ पूजा। तो जब भी ये वाला दिन आते हैं ना तो मन एकदम ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं, हाँ हम लोग डेढ़ घंटे लाइन पे धक्के खा खा के ये एक ही पैंडल देखने के लिए गए। और हम लोगों के साथ ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 लोग था जो कि हमारे साथ खड़े थे, और हम लोग साथ में डेढ़ घंटा खड़े होके फिर यहाँ पे एंट्री हुआ। और यहाँ पे बनाए थे बनारस का जो घाट है जहाँ पे गंगा आरती होते हैं, वही घाट। और देखने में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जस्टिस नहीं कर पाए है फ़ोन, और इतना भीड़ में मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं कर पाई। तो आप देख रहे हैं ये जो आरती हो रहे हैं ना माँ के सामने, तो ये आरती ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिस्टम में हो रहे हैं, और देखने में इतना खूबसूरत सा लग रहा है, इतना खूबसूरत। और डेढ़ घंटा लाइन में जाने के बाद ना ये पुलिस लोग हम लोगों को जो थर्मोकॉल का डंडा होता है उधर से मार मार के बोल रहे थे भागो भागो भागो। तो हम लोग बस उस दिन एक ही पैंडल देखे थे क्योंकि सारा एनर्जी तो वहीं पे ड्रेन आउट हो गए। और फिर हम लोग गए और चाइनीज़ खा के घर आ गए। और ये है फाइनली डे जहाँ जो इसको हम कहते हैं विजयादशमी। तो यही था मेरा पूजा, और माँ भी चले गए घर, अब मुझे भी जाना पड़ा घर, तो मैं आ गई हैदराबाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत जल्दी मिलेंगे।